राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में पार्टिकल्स मोशन पे है, मूव कर रहा है, उससे रिलेटेड साइंटिस्ट लोग ने एक इक्वेशन दिया है उसके मोशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं ये कोई पार्टिकल्स है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशन ये फर्स्ट, अब वो यहाँ से ऐसे गया है यहाँ फंसा के ये आपका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये आपका फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, पोजीशन टू है। ठीक, तो ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जब स्टार्ट कर रहा होगा उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, और यहाँ तक आने में उसका वेलोसिटी कितना हो गया v, तो यहाँ इनिशियल से यहाँ तक आने में मान लीजिए उसका टाइम कितना लगा है t। तो इस बेसिस पे साइंटिस्ट लोग ने, फिजिशियन लोग ने क्या किया, तीन इक्वेशन दिया है। उसका पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा दिया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मीनिंग क्या है, v u a s t क्या है, तो ये u क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका पार्टिकल का जिससे वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, और v क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे वो अपना कंप्लीट कर रहा है, मतलब इस पोजीशन पे। s क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया वो पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक जाने में, ये क्या है उसका एक्सेलरेशन क्या था, उसका एक्सेलरेशन उसके बीच में क्या था, और ये क्या है टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब कितना टाइम ले रहा है, टाइम इंटरवल। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। तो इस बेसिस पे इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 3 आया कैसे, उसको अपन क्या करेंगे प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ, बस देख रहा कि आया कैसे। इसके लिए अपन क्या देखते हैं, ये छोटा सा पहले अपन ग्राफ ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैं वेलोसिटी और टाइम के लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया है, ये एक्स एक्सिस पे, और इस वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है वेलोसिटी। तो ग्राफ क्या बताता है, टाइम के साथ वेलोसिटी में वेरी क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहा है। तो मान लेते हैं क्या, यहाँ पास यहाँ से हुआ है यू से, यहाँ तक मान लेते हैं ये यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है यू, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, इसका फाइनल पोजीशन लेता हूँ वी, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है वी। इसको देखो ग्राफ में मैं बनाता हूँ, यहाँ पर से एक्स एक्सिस पे जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगा है टी। ठीक, ये मैंने ग्राफ बना दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ टाइम टी के साथ कहाँ तक बढ़ा, वी तक बढ़ा, कहाँ से यू से लेकर वी तक बढ़ा। ठीक है, तो बढ़ा तो क्या है, इसमें क्या कर रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस कर रहा है, और हमारा एक्सेलरेशन होता क्या है, अब स्टार्टिंग से देखो उसका देख रहा हूँ कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी कहां कितना चेंज किया, v से u किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, v माइनस u, ये 10 से 20 किया तो कितना चेंजेस आया 10 का, कैसे 20 माइनस 10 दैट मींस 10, तो वैसे v से u, यहां पास कितना टाइम t माइनस 0, कहां से गया, if t इज इक्वल टू यहां पर 0 से लेकर t तक, मतलब टाइम 0 तक, यहां क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, at v माइनस u, at इधर आया क्या हो गया u, इधर गया v, इसको चेंज करके लिख लो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन, देखो पहला है। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन अभी आ गया एक्सेलरेशन से,
दूसरा देखें किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ ग्राफ है। तो ग्राफ में जितना एरिया कवर किया जाता है किसी भी ग्राफ में, जो एरिया कवर किया जा रहा है उस मोशन का, तो वो एरिया क्या होता है उसका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एरिया क्या है, तो एरिया को मैं बांटने के लिए दो पार्ट में बांट दिया इसको, ये मान कर चलो कि ए है बी, इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी ले लिया, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ई। तो ये जितना एरिया टोटल कवर कर रहा है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। कौन सा ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो एरिया डिस्टेंस को ये से रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया कवर्ड, एरिया कितना कवर्ड हुआ है, तो किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये ग्राफ इक्वल है, एक ये क्या था, एक ट्राइंगल और ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल। ये वाला पोर्शन तुम्हारा रेक्टेंगल का हो गया, तुम्हारा किसका हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका ट्राइंगल का। तो दोनों के एरिया का सम क्या हो गया, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्टेंस होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ क्या होता है, बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कौन सा, ए सी डी ई, ए सी डी, इसका क्या होता है, ब्रेथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी लिखना चाहो, ठीक। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया हाफ बेस, बेस कौन सा है उसका देखो, ए सी, हाइट कौन सा है, ये वाला बी सी, प्लस ब्रेथ कौन सा है इसका, ये देखो ए ई, उसका लेंथ कितना है, देखो डी ई, वैल्यू पुट कर दो बस, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए सी, ए सी का वैल्यू कितना है, ए से लेकर सी मतलब टाइम टी इंटू बी सी, बी देखो बी से लेकर सी है, इस वैल्यू से देखना कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, वी है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, वी माइनस यू, ये टोटल पोर्शन v है, फाइनल वेलोसिटी इतना क्या था इनिशियल, इतना माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, v माइनस u, तो v माइनस u, तो उसके बाद मैं पुट करूं bc का वैल्यू क्या हो गया, v माइनस u प्लस a e, a e इतना है वैल्यू u, और d e, d से लेकर कितना है t, ठीक। तो a is equal to half t, देखो यहाँ बस v माइनस u जगह में क्या दे सकते हैं, देखो v माइनस u की जगह में क्या दे सकता हूँ, 80 ये देखती मैंने 80 प्लस ये हो गया 80, तो आंसर half t ये क्या हो गया, 80 प्लस u t, s is equal to देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, u t को मैं पहले लिख दिया, तो half 80 का स्क्वायर, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। सिंपल मैंने क्या, एरिया ऑफ ग्राफ दो पार्ट में बटा है, ट्राइंगल में बटा है और एक रेक्टेंगल में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का ही वैल्यू मैंने यहाँ पर सर एरिया के लिए दिया, अपना सेकेंड पॉइंट आ गया, ठीक है। देन अब इसी को मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ, देखो इसमें छोटा पोर्शन बना के रखा हूँ अलग से, ये ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ई था, इसमें यहां से लेकर यहां तक यू होते हैं, क्या होगा यू, यहां से लेकर यहां तक कितना है वी, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, वी माइनस यू, जैसे हमने वापस किया हुआ है, और यहां से यहां तक क्या है टी। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम चीज लिखूंगा यहां पर, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, मैं दूसरे तरीके से देख सकता हूं, मैं दो पार्ट में ना पार्ट करती, एक पार्ट टू टोटल, तो क्या लिख रहा है, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वी टी का मतलब वेलोसिटी टाइम का, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या आ रहा है? तो ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी ई का, तो क्या हो जाएगा एरिया क्या होता है उसका, हाफ क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है हाइट, ये होता है ट्रेपेजियम के एरिया। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इसको डिस्टेंस को मैं एस करके लिखा हूं, देखो एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कौन सा, ये है ए ई प्लस बी डी इनटू हाइट। हाइट ये होगा ना कि ये, क्यों, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम हाइट ये होता है ना कि ये, तो साइड हो गया, या हाइट ये होता है मतलब ए सी। वैल्यू पुट करो हाफ ए ई का वैल्यू कितना, ए से लेकर ई मतलब यहां पर से इनटू बी डी का वैल्यू देखो यहां से लेकर यहां तक मतलब कितना है बी ए सी, ए से लेकर सी इसका मतलब क्या है टी। अब यहाँ पर साथ रुक जाएंगे, उससे पहले अपन क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है u प्लस वी, तो यहाँ पर हमको देखेंगे कि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी t के जिक्र नहीं है, t नहीं है, तो क्या करेंगे t को रिप्लेस कर देते हैं। तो t को रिप्लेस कैसे करोगे, कैसे आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन, जब यहाँ पर आओगे तो क्या देखेगा देखो, या यहीं पर देखो यहीं से देखो क्या हो जाता है, ये को यहाँ दे हो जाएगा टी हो जाएगा, यहाँ वी माइनस वी और पाँच ए हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ ले आया, यहाँ बस मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो t के वैल्यू आ जाएगा, तो t के वैल्यू क्या मैं पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू हाफ u या v प्लस u लिखो जो भी लिखो, t के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ v माइनस u अपॉन a, बस मैंने पुट कर दिया भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करो देखो, s इक्वल टू यहाँ पर आ गया v प्लस u, अब यहाँ पर आ गया v माइनस u, नीचे देखो यहाँ ये है, यहाँ देखो टू है, यहाँ ए है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2as आ गया। अब यहां पर देखो इसका फार्मूला क्या होता है, a - b a + b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b² मैथमेटिक्स का, ठीक है, इसका देखेंगे a - b a + b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b² यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं v² - u² इसको ट्रांसफर करो क्या हो जाएगा 2as यहां a u² इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मैं इसको साइड चेंज कर दिया क्या लिख सकते हो, इसको इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो भी कौन सा है, ये थर्ड हो गया, ये तुम्हारा सेकंड और ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड और ये क्या हो गया थर्ड। तो ये तीन इक्वेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसका सिंपल जो मीनिंग होता है क्या क्या मैंने बता चुका हूँ, पहले से एक्सप्लेन कर चुका है, ये तीन इक्वेशन होता है। इससे पहले मैं एक दो टर्म्स और बता देता हूँ आपको, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड हमने पढ़ा क्या होता है, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, 10 लोग हैं यहाँ पास, 10 लोग से मैंने यहाँ बस कुछ अमाउंट इकट्ठा किया अपनी इच्छा से, क्या किसने 5 रुपये दिया, किसने 10, किसने 15, किसने 20, किसने 17, 18 लाइक दैट। तो उसके एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को सम कर देते हैं टोटल कितने लोग हैं, सेम वही है कि एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का टोटल का तो क्या हो जाएगा, सर या टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है टोटल समाप्त नंबर जो होता है टोटल टाइम के, टोटल टाइम दिया होता है तुम्हारा एवरेज स्पीड। अब ऐसे ही यहाँ पर दूसरी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस स्पीड और स्पीड का डिफरेंस रहता था, डिस्टेंस से यहाँ बस क्या रहता था, डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये थे तुम्हारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इतना ये क्या है, इसका इक्वेशन, तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही
तो तीनों इक्वेशन को कैसे प्रूफ किया जा रहा है, ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी यहाँ पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है। इस वीक में आपको इतना ही है, इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और एक टर्म मैं आप बता देता हूँ, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन टर्म कहाँ है, इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब किससे था, ये स्पीड से था, टाइम के साथ ही क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था स्पीड का, टाइम के साथ चेंज कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि जब स्पीड बढ़ रहा है एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड कम कर रहे हैं एक्सेलेरेटर से हम लोग कर रहे हैं। तो रिटार्डेशन का क्या, जब हम देखो स्पीड बढ़ा रहे हैं भी हैं या कम कर रहे हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक जिसमें हमारे व्हील और जो ग्राउंड लेवल के बीच में फ्रिक्शन होता है जो कि क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए तो हमारी गाड़ी रुक जाती है ब्रेक लगाने से, तो अपोज कर रहा है स्पीड का, इसलिए से एक्सेलरेशन टर्म को वहां पर चेंज करके क्या कर दिया जाता है, रिटार्डेशन। यहां पर हम एक्सेलरेशन को प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहां हम इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस ए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस ए, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, मतलब इधर जा रहे हैं ब्रेक लगाने के कारण, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अगर इसको टर्म को बोलते हैं रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये इतना टर्म्स आपके मोशन यूनिट पे है, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा, ये नोट्स कर दे दूंगा, चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट भी तैयार करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच।